नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों आशा करता हूँ आप सुखी संपन्न और समृद्ध होंगे। उसके साथ खुश रहना बहुत जरूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई समस्या ज्यादा देर दखलंदाजी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही सुंदर और जीवन के लिए बहुत ही जरूरी विषय है। दोस्तों जो लोग मैं जो बताने वाला हूं इस टाइप की क्रियाएं करते रहते हैं उनका जीवन सुंदर से सुंदर और भी सुंदर बनता चला जाता है। उनकी बुद्धि तीव्र बनती चली जाती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं 24 जुलाई 2021 गुरु पूर्णिमा है। दोस्तों जितना जीवन में दूसरे ग्रहों का के आविर्भाव से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क गुरु ग्रह के कारण आपके जीवन पे पड़ता है। गुरु ग्रह जिसके भी मजबूत हैं दोस्तों उसकी बुद्धि बहुत ही तीव्र होती है। उसका ज्ञान उसके जीवन में तरक्की करने के लिए या अपने आप को एक प्रतिष्ठित साबित करने के लिए उसका ज्ञान काफी होता है। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती दोस्तों उसके ऊपर दुनिया में किसी की कृपा नहीं होती। तो ये शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, मेरी चैनल की जो भी मुलाकात पहली पहली बार ले रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, उसके साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आपको करना क्या है, मैं तो यही कहूंगा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके गुरु ना हो, और अगर कोई है जिसने किसी को भी गुरु नहीं बनाया है तो उसके भी राशि के गुरु होते हैं। हर व्यक्ति की राशि के गुरु होते हैं, तो आपको गुरु ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। एक दोहा कहा है कि गुरु के बिना आपका कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो बताए। मतलब भगवान आप अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कुछ कर रहे हैं और उस ईश्वर को पाना चाहते हैं तो उसको भी प्राप्त करने में गुरु की भूमिका बहुत बड़ी और प्रबल होती है। और आप अगर ग्रस्त जीवन में हैं और ग्रस्त जीवन के आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना है तो भी गुरु का रोल बहुत बड़ा माना गया है। जिसके गुरु नीच के हो जाएं, गुरु जिसके कमजोर हों, वो व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने लग जाता है। तो दोस्तों ये गुरु पूर्णिमा के दिन आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को अवश्य कर लें। इससे आपके गुरु की कृपा आपके ऊपर अटूट बरसेगी और गुरु आपके आपके ऊपर खुश रहेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है। दोस्तों गुरु को सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई कलर है तो वो पीला कलर है। तो गुरु को खुश रखना आपके जीवन को खुश रखने के बराबर है। तो गुरु के लिए दोस्तों आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। गुरु को सबसे प्रिय अगर कोई कलर है तो वो पीला कलर है।
तो सबसे पहले तो आप ये निश्चित कर लें, गुरु पूर्णिमा के दिन आपको सारे वस्त्र नहीं तो कोई एक वस्त्र पीला अवश्य पहनना है। अगर आपके पास पीला कोई वस्त्र नहीं है तो कम से कम एक रूमाल अवश्य रखें। दूसरा दोस्तों, आपको गुरुवार को गुरु की पूजा करनी है। सुबह नहा धोके स्वच्छ होके पीला कपड़ा मैंने बता दिया है तो आपको करना है और आपको अपने पूजा स्थान में जाना है। पूजा स्थान में आसनी बिछा के आपको बैठ जाना है और लगभग 1 किलो या 1.25 किलो आपको चने की दाल ले लेनी है और वो चने की दाल आपको अपने सामने किसी बर्तन में रख लेनी और गुरु की या भगवान विष्णु की श्री हरि की कोई भी अगर मूर्ति या फोटो हो उसके सामने बैठ जाना है। अगर आपके पास कोई भी फोटो नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, आप बिना फोटो बिना मूर्ति के भी ये पूजा कर सकते हैं क्योंकि चने की दाल आपके सामने रखी है। इसको रख के आपको एक घी का दीपक जला देना है, 2 अगरबत्ती लगा देनी है और उस दाल के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी पाउडर छांट देना है और तुलसी की माला लेके आपको 108 जाप करने हैं गुरु के। मंत्र इस प्रकार से है दोस्तों, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। मंत्र मैं फिर से बोलता हूं, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये माला आपकी लगभग 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस क्रिया को महिलाएं पुरुष दोनों ही कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके जीवन में तरक्की देखने मिलेगी। ये पूजा पूरी होने के बाद आपको गुरु की जो भी आरती है, चाहे दत्तात्रेय की आरती ले लें या जो भी आपके मोबाइल में गुरुदेव की कोई भी आरती आप गूगल पे सर्च करेंगे आपको आरती मिल जाएगी। अगर आपके पास आरती है गुरु की तो सबसे बेस्ट है क्योंकि आरती करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों प्रसाद में आप, मैं पहले बताना भूल गया, पीले कलर की कोई मिठाई या बर्फी आपको पहले से अरेंज कर लेनी है, पीले कलर की वो प्रसाद में रखें। आरती करने के बाद आपको प्रसाद का भोग लगा देना है। फोटो तस्वीर अगर आपके पास नहीं है तो जो चने की दाल आपने रखी है उसके ऊपर ही आपको प्रसाद का भोग लगा देना है। यहां से पूजा पूरी होने के बाद आपको उठ जाना है और ये चने की दाल कोई बुजुर्ग ब्राह्मण हो उसको दान में दे देनी है, या फिर 2 या 4 ऐसे कोई जरूरतमंद लोग हैं और वो उम्र लायक होने चाहिए, किसी बच्चे को नहीं देनी है, वो एजेड व्यक्ति हो और गरीब हो, ऐसे 4 या 5 व्यक्तियों को उसमें से भाग करके और आपको दान में दे देनी है। बस इतना आप करें उसके बाद देखना गुरु की कृपा आपके ऊपर कैसी बरसती है और जिसके ऊपर गुरु प्रसन्न है उसके ऊपर श्री हरि भगवान विष्णु खुश हैं, माता लक्ष्मी खुश हैं, हनुमान जी खुश, भगवान भोलेनाथ खुश और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा भी उसके ऊपर खुश हो जाते हैं। ऐसा कोई देवी या देवता नहीं बचता जो खुश ना हो और उस व्यक्ति के जीवन में हर दिन नई नई तरक्कियां आती रहती हैं। दोस्तों इसके साथ अगर शाम के समय आपसे बन सके तो कहीं भी होटल से या किसी भी फरसान की दुकान से आप पकोड़े ले लें और जो भी बुजुर्ग व्यक्ति आपको देखें ऐसे व्यक्तियों को आप पकोड़े खिलाएं या दान में दे दें।
दोस्तों आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये क्रिया बहुत ही पावरफुल है, करने के लायक है, करते रहिए। इसको करने या समझने में अगर आपको कहीं कोई असुविधा होती है तो पूछें बस। नमस्कार।